क्लास फाइव के लिए है चैप्टर थ्री पृथ्वी को चढ़ा बुखार। बुखार ये एक वार्तालाप है, बातचीत है, कुछ लोग आपस में अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है, उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है, उदास सा है, उसी पर आधारित यह बातचीत है। आइए देखते हैं क्या है बातचीत। दीदी बोलती है, दीदी क्या हुआ अनु, आज इतनी उदास क्यों दिख रही हो, किलो कोई गलत काम किया है क्या? अनुपमा, नहीं दीदी बस ऐसे ही मेरा मन चलते है। दीदी अरे बताओ तो क्या हुआ? अनुपमा, आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। दीदी क्या? अनुपमा, यह सच है कि पृथ्वी बीमार हो गई है, उसका तापमान बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब उसके साथ ये यहाँ रहने वाले लोग भी बीमार हो जाए। दीदी क्या तुम सच बोल रही हो? अनुपमा, दीदी अध्यापिका ने कहा कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, सब जीव जंतुओं के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। घर पहुंचने पर अनुपमा और दीदी, नमस्ते दादाजी। दादाजी नमस्ते बेटा। दीदी दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी बेटा मैं तो ठीक हूँ, परंतु गांव का हाल बहुत बुरा है। माँ क्यों, क्या हुआ पिताजी? दादाजी पता नहीं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा, मार्च अप्रैल में बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल भी खराब हो गया। जून जुलाई में आप सारा खेत जोत कर बारिश करते हैं तो बारिश नहीं होती है, बुआई शुरू नहीं हो पाती है। जानती हो पिछले वर्ष बारिश कब हुई थी? सितंबर में। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, ऐसे में मौसम के अनुमान के बिना कोई खेती कैसे करे? अनुपमा, हाँ दादाजी आज हमारे अध्यापिका ने भी यही बताया कि मौसम बदल रहा है, हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है। दादाजी पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है? दादाजी अरे बेटा कलयुग आ गया है, पता नहीं प्रकृति अपना रूप क्यों बदल रही है। माँ अच्छा बेटा चलो अब सब खाना खा लेते हैं, बातें तो होती रहे। सब खाना खा रहे हैं, टीवी चला गया, टीवी पर न्यूज आ रहा है, तेज तरह न्यूज चला रहा है। नमस्कार मैं हूँ अदिति मुखर्जी, अब सुनिए तेज तर्रार न्यूज चैनल की तेज तर्रार खबरें। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आने से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। दादाजी कहीं भी असमय की बारिश से बाढ़ आ जाती है, पानी शहर के अंदर घुसने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है, कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, कहीं प्रलय मची हुई है। अदिति वैज्ञानिक भी इस असमय की बारिश से परेशान है। उनका कहना है कि पृथ्वी की जलवायु के बदलने का प्रमाण है। भारत के समाचारों के अनुसार गंगोत्री का हिमनद पिघलने लगा है, बर्फ के पिघलने से शहरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ने के भी संकेत आए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा पृथ्वी से अधिक गर्म होने का कारण हो रहा है, पृथ्वी के अधिक गर्म होने का कारण है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है, ये मौसमी परिवर्तन इसी का परिणाम। अनुपमा, दादाजी जो टीवी पर बात कर रहे हैं क्या वो सच है? दादाजी पेड़ों को काटा जा रहा है, प्रदूषण फैलाते कारखानों की बढ़ती जनसंख्या, सड़कों पर बढ़ता वायु और ध्वनि प्रदूषण, गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलाया, ये सब इसके कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर रोक लेती है, इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। अदिति इस प्रकार यदि वृक्षों को काटने से नहीं रोका गया तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, असमय की बरसात से कृषि पैदावार नष्ट हो रही है। इसी के साथ हम कल तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार। तभी अनुपमा के पापा ऑफिस से आते हैं। पापा आप कैसे हैं पिताजी? दादाजी बेटा ठीक हूँ। अनुपमा, पापा पता है पृथ्वी को बुखार आ गया, हम सब मिलकर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते। पापा बेटा हमने जो अपनी पृथ्वी के साथ गलत किया उसका पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, यदि हम सब मिलकर संकल्प ले तभी धरती माता को पाले जैसा स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। अनुपमा, पापा तो हम कौन से ऐसे काम करें जिससे पृथ्वी पाले जैसे सुंदर और स्वच्छ होता है? पापा हमें बिजली पानी आदि को आवश्यकता अनुसार खर्च करना चाहिए, ये सभी वस्तुएं पृथ्वी से ही न किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है,
पृथ्वी को हम सब ने घायल कर दिया है, उसे बहुत चोट लगी है। अच्छा अनुपमा बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ क्या करती है? अनुपमा, पापा तब माँ चोट पर दवाइयां मलहम करती है। पापा, इसी प्रकार यदि पृथ्वी पर शरीर पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट नहीं लगेगी। हमें प्रति बार कम से कम 10 पेड़ आपस लगाना चाहिए, और केवल लगाना ही चाहिए बल्कि उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। अनुपमा उत्साहित हुई, चल दीदी चलो, क्यों ना हम आज से ही पेड़ लगाना शुरू कर दें। हमारे घर के बाहर कितनी खाली जमीन पड़ी है, दीदी यहाँ क्यों नहीं है? शुभ काम में देरी कैसे? दादाजी चलो, मैं भी तुम लोगों का मदद करता हूँ। अनुपमा, दीदी तुम गड्ढा खोदो, मैं पेड़ लगाता हूँ। दीदी क्या यह स्थान ठीक रहेगा? यह रास्ते से कुछ हटकर है। अनुपमा, यह लीजिए, आप पौधा लगा लीजिए, मैं पानी डाल दूं। दादाजी आओ, ईंटों से इसकी सुरक्षा करें, ऐसा करने से हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। आप तो प्रतिदिन विद्यालय में जाकर पानी देना, ये विद्यालय से आकर पानी देना, ये पेड़ पृथ्वी की बुखार उतारेंगे और हमारी यह पृथ्वी पहले की भांति स्वस्थ और सुंदर हो जाएगी। पाठ का कार्य उद्देश्य है कि हम प्रति व्यक्ति कुछ न कुछ पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे हमारी पृथ्वी ठंडी रहेगी और अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं होगी और हमारा जीवन सुखी और स्वस्थ रहेगा। शब्दार्थ याद करना है और प्रश्नोत्तर तैयार करना है। फोटो जाएगा यहाँ से।